जज बनना एक मायने में एक बलिदान है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने अपनी विदाई के मौके पर क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बैनर्जी के रिटायरमेंट के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। CJI यूयू ललित ने जस्टिस बैनर्जी को विदाई देते हुए कहा, शुरुआत में मुझे कहना होगा कि कॉलेजियम हमेशा लॉट में सबसे अच्छा उठाता है। 20 साल की न्यायिक सेवा, अथक एक दिमाग सेवा, बहुत कुछ है। यही वो यात्रा है जिसे बहन बैनर्जी ने कवर किया है। ये सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने क्या कवर किया है, लेकिन उन्होंने कैसे कवर किया, उनका योगदान बहुत बड़ा है। आज भी लोग कहते हैं कि CJI की अदालत में अंतिम दिन औपचारिक माना जाता है, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे कितने मामले रखने चाहिए, और उसने कहा पूरा बोर्ड, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। जस्टिस बैनर्जी ने 35 साल पहले शुरू हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी यात्रा का जिक्र किया, जब वो पहली बार कलकत्ता हाई कोर्ट से जूनियर के रूप में सुप्रीम कोर्ट आई थी। उन्होंने याद किया कि कानूनी पेशे में आना उनके लिए एक संयोग था, और उनके परिवार में कम से कम एक व्यक्ति जो कि उनके पिता है, इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई में पर्याप्त प्रयास नहीं किया। अपने पिता के बारे में और अधिक बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि वो एक जज बने, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देती थी। ऐसी ही अन्य खबरों को लेकर फिर लौटेंगे। बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।